अगर आप भी जीवन के बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो एक बार ये देख लीजिए, एक छोटी सी चींटी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि अचानक से चारों तरफ से परेशानी से घिर जाती है। वो हर जगह से पूरी कोशिश करती है निकलने की। चींटी को नहीं पता कि उसके अंदर क्या काबिलियत है, पर उस ईश्वर को पता है कि उसके अंदर क्या काबिलियत है, क्योंकि ईश्वर ने उसे बनाया है। ठीक उसी तरीके से ईश्वर ने आपको जन्म दिया है। एक के बाद एक परेशानियां आती जाती हैं। इतना बड़ा स्पेस था, धीरे धीरे वो कम हो रहा है। परेशानियां अब आपको और नजदीक से घेर रही हैं और अंदर से चोट पहुंचा रही हैं। पर आप चींटी से सीखिए कि कुछ भी हो जाए, जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। चींटी जो दायरा कम हो रहा है उसके साथ साथ और भी ज्यादा प्रयास कर रही है। वो रुक नहीं रही है, वो हार भी नहीं मान रही है, वो सिर्फ अपना प्रयास कर रही है। ईश्वर को पता है कि इसके बाद जैसे ही वो इस परेशानी से निकलेगी तो बहुत मजबूत होकर के निकलेगी। चींटी को इस वक्त लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, ये शायद उसका आखिरी दिन है। सेम हमें भी लगता कभी कभार कि हमारा ये आखिरी दिन है, पर नहीं, हमें टूटना नहीं है, हार नहीं माननी है। चाहे हम परेशानी से घिर ना जाए, कुछ भी हो जाए, जैसे ही हम अपनी मेहनत नहीं छोड़ते हैं तो हम परेशानी से निकल जाते हैं और एक नया पाठ सीख कर निकलते हैं।